ने किया अपनी फिल्म धाकड़ के स्क्रीनिंग में पायल रोहतगी को इग्नोर। वेल, आखिरकार पायल रोहतगी ने कंगना रनौत को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि पायल रोहतगी जो कि कुछ ही दिनों पहले अपने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को लेकर काफ़ी कुछ बैडैश कहते नजर आई थी, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा ही लिया गया था कि कंगना रनौत और पायल रोहतगी के बीच में कांटे का टक्कर होने वाला है। लेकिन रिसेंटली ही पायल रोहतगी को देखा गया कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के स्क्रीनिंग में, जहां की पायल रोहतगी ने ये कॉन्फ्रेंस भी किया कि वो सिर्फ फिल्म के पीछे जिनका हाथ है, यानी प्रोड्यूसर्स जो डायरेक्टर्स हैं, तो वो संग्राम के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और उनके बुलाने पर ही वो धाकड़ के स्क्रीनिंग में पहुँची। हालाँकि उन्होंने उनके साथ तस्वीरें क्लिक कराई, उनके साथ बातचीत की, लेकिन यहाँ पर पायल रोहतगी ने बेहद ही ज़्यादा शॉकिंग आंसर दिया कि पायल रोहतगी ने कंगना रनौत से बात करने की कोशिश की, लेकिन धाकड़ के स्क्रीनिंग के दौरान कंगना रनौत ने पूरी लिटरली सबके सामने पायल रोहतगी को इग्नोर किया और पायल रोहतगी से एक बार बातचीत भी नहीं की। वेल, ये कहीं ना कहीं साफ होता है कि कंगना रनौत जो है वो पायल रोहतगी के रीसेंट पोस्ट से बेहद ही ज़्यादा नाराज़ है और पायल रोहतगी को इग्नोर उन्होंने सबके सामने कर दिया है, वो भी सोशली तरीके से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।